हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की ओर में छिपा कर रखा। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको किसी मनुष्य का नहीं सहारा लेना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर दूर करेगा, जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यदि आपके जीवन में हर एक शैतानी बंधन है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। ठीक है, यीशु मसीह महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपके आंसुओं को पोछेगा, ठीक है, आपकी समस्याओं को खत्म करेगा परमेश्वर। वो यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजन, आप रो रहे हैं, मिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उदासी में, बेचैनी में, डरे में, घबराए हुए हैं, तो आज आपको सच में, आज आपको पवित्र आत्मा से बोलना है, आज आपको पिता से बताना, पवित्र आत्मा को बुलाना अपने जीवन में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत मिराकल करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को नया कर देगा हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, अगर आप संकट संगति में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में, गरीबी में, बीमारी में हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, किसी मनुष्य से नहीं बताना है। परमेश्वर का वचन कहता है, सरापिता पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है उस पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को पिता पर भरोसा रखना है, यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, यीशु मसीह मेरे जीवन में मिराकल करेगा, अद्भुत काम करेगा हमारा परमेश्वर सभी के जीवन में। ठीक है, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे, पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। ठीक है, जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर शक्तिमान पिता के पास पहुंच जाते हैं और पिता भी अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। ठीक है, हम सभी को प्रार्थना में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह शांति का दाता है हमारा परमेश्वर, शांति का करता है। ठीक है, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसने कूड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पर में कीले ठोके गए, उसे 49 कोड़े लगवाए गए। मेरे प्रियजनों, उन 49 कोड़ों के साथ मेरे प्रियजनों उसका मांस तक खींच कर चला आता था, ना दुख नहीं, दर्द नहीं, पीड़ा यीशु मसीह ने सिर्फ हम सभी के लिए लिया। मेरे प्रियजनों, जब सब जगह से टूट चुके हैं तो आज आपको उदास निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको खुदा के पास आने की आवश्यकताएं हैं, यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकताएं हैं। दुनिया का सब दरवाज़ा बंद हो जाएगा मेरे प्रियजनों, मगर यीशु मसीह का दरवाज़ा कभी नहीं बंद होगा। आज आपको अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी गरीबी को लेकर, अपनी तंगी को, परेशानी को, हर मुसीबत को लेकर यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह हम सभी के आंसुओं को पोछेगा, वो बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर मेरे जीवन में, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, इस आकाश में धरती पर बहुत सारे देवी देवता कहलाते हैं, परंतु तो भी तुम्हारे निकटतम एक ही प्रभु है और एक ही परमेश्वर है, और वो है यीशु मसीह। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह जगत की ज्योति, यीशु मसीह ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, यदि हम उसके पीछे हो लेते हैं तो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाते हैं, वह जीवन की ज्योति हमारा पिता। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, यदि हम मर भी जाएंगे तो भी पिता हम सभी को जिलाएगा, अपने वचन के अनुसार हम सभी को जीवन दान देगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने कहा है, जो आप आंसू पृथ्वी पर बहाते हो
जो दुख आप पृथ्वी पर उठाते हो, जो गरीबी आप पृथ्वी पर उठाते हो, अगर परेशान हो तो मैं आपको एक अनंत काल का जीवन दूंगा। वहाँ ना मौत होगी, ना विलाप होगी, ना पीड़ा होगी, ना दर्द होगी, ना मौत होगी। वहाँ शांति ही शांति होगी, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वहाँ ना मौत होगी, ना विलाप होंगी, ना पीड़ाएँ होंगी मेरे प्रभु। वहाँ परमेश्वर में अनंत काल का जीवन देगा, अजर मिराज का अमर जीवन जो कभी नाश नहीं होता मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना है और लास्ट में आमीन जरूर बोलना है, क्योंकि जब हम आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और यीशु मसीह के पास पहुँच जाती है और पिता अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। ठीक है, हम सभी को प्रार्थना में जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु। पिता पवित्र आत्मा जी, हम आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते, महिमा करते मेरे पिता, जो आपने यीशु राजा हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे पिता। इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अन्य जाति के लोग होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से बिछड़ गए होंगे पिता, जो शाम ही नहीं देखने को पाए होंगे पिता, वे मर गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं पिता, जहाँ पर धनवान नबी भी मौजूद है पिता। मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी को इस दलदल से, इस संसार से चुना है, चुन के अलग किया है, ज्योति में किया है प्रभु। आपने कहा है, मैंने तुझे माता की गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है पिता। आपने कहा है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे पिता, आपने कहा, मैं तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हूँ, तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया हूँ मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपकी पढ़ाई करते मेरे पिता, जो आपने एक नया जीवन दिया है, अमर जीवन दिया है, अजर मिरास का जीवन दिया है मेरे पिता, जो कभी नाश नहीं होता पिता, जो आप अपने प्रेम करने वालों को दिया है मुफ्त में, गिफ्ट में पिता। इसके लिए पिता यीशु पापा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु मेरे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं पिता, आप माफ़ करिए पिता, आप क्षमा करिए मेरे पिता, मेरे प्रभु, क्योंकि हम मानव जाति हैं पिता, हम मनुष्य निर्बल कमजोर हैं पिता, हम सभी पापों में गुनाहों में गिर सकते हैं, व्यभिचार में गिर सकते हैं पिता। मेरे पिता, मनुष्य पापी है, मनुष्य निर्बल है पिता। मेरे पिता, आपने कहा ऐसा कोई धरती पर मनुष्य नहीं जिसे पाप ना हुआ हो पिता। आपने कहा सब पापी हैं, सब अधर्मी हैं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, सब के सब परमेश्वर से भटक गए मेरे पिता। मेरे प्रभु, हाँ प्रभु, आप क्षमा करिए पिता। मेरे पिता, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को मिटा दे मेरे स्वामी। मेरे पिता, हम प्रार्थना करता हूँ पिता उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो मसीह भाई पिता हॉस्पिटल में बीमार हैं, जिन्हें कैंसर, गिल्टिया, रसौलिया, पथरिया पिता, हर एक नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, हर एक घातक गंभीर खतरनाक बीमारी हैं, जानलेवा बीमारियाँ हैं पिता इनके शरीरों में हैं पिता। मेरे पिता, ये अपने खाट, अपना बेड आंसुओं से भिगो रहे पिता, रो रहे, चिल्ला रहे पिता, घबराहट हो रही, टेंशन हो रहा, डिप्रेशन में चले गए पिता। मेरे प्रभु, हम चाहते हैं यीशु मसीह, मेरे पिता पवित्र आत्मा जी, हम आपके दास होने के नाते पवित्र आत्मा जी, यहोवा पिता, इनके जीवन में पिता आप मिराकल कीजिए, इनके जीवन में पिता आप चमत्कार कीजिए पिता, हर बीमारियां जाएं पिता, इन्हें चंगाई दीजिए, हीलिंग दीजिए, छुटकारा जीत दीजिए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यीशु पापा, आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आपके नाम से पुकारते हैं प्रभु, आप इनके जीवन में पिता आइए, इनके जीवन को पिता आप नया कर दीजिए पिता, आप इन्हें अमर जीवन दीजिए पिता, आप इनकी बीमारियों को चंगा करें पिता, आप इन्हें हीलिंग दीजिए, हर एक प्रकार की गंदी आत्माएँ जाएँ, बीमारियाँ डालने वाली गंदी आत्माएँ जाएँ पिता, हर लड़ाई झगड़ा डालने बीमारियाँ गंदी आत्माएँ जाएँ इनके जीवन से मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो गरीब हैं पिता, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने नहीं पिता,
प्रभु जो 100-200 रुपए पर पिता इधर उधर उधार ले रहे, पिता ने जाति से सहायता ले रहे, पिता सच में पवित्र आत्मा जी हम चाहते हैं प्रभु इनके जीवन में पिता आदेश देते आपके दास होने के नाते, मेरे पिता की गरीबी को, तंगी को, परेशानी को इस मसीह आप दूर करिए पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे पिता हम मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं पिता इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनके घरों के ऊपर पिता आशीषें उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, और सुर के झरोके खुल जान के घरों के ऊपर पिता, वो बंदाशी से खुल जान के घरों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पति पवित्र है मेरे पिता। मेरे प्रभु जिस प्रकार से यीशु पापा पवित्र है मेरे पिता, उसी प्रकार से यीशु मसीह हम सभी को भी पवित्र बनाइए पिता, ताकि आपके सामने खड़ने के योग्य बन सके पिता, आपके राज्य में जाने के लायक बन सके पिता। क्योंकि मेरे प्रभु जहाँ पर आप रहते हैं प्रभु वह जगह पवित्र है मेरे पिता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे पिता। मेरे पिता आप हम सभी के गुनाहों को, धर्मों को क्षमा करिए पिता, पापों को माफ करिए पिता, गुनाहों को ढांपिए मेरे पिता। मेरे पिता पवित्र कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, हर गुनाहों को पिता आप क्षमा करिए पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए पिता, मसीह भाई बहनों के लिए पिता जिनकी शादी नहीं हुई पिता, जो अपनी शादी को लेकर टूट चुके, बिखर चुके पिता, जो टेंशन डिप्रेशन में चले गए पिता, सच में पवित्र आत्मा जी आप इन्हें अपनी ओर से एक सहायक दीजिए पिता, ताकि पिता इसे गुनाह गलतियां ना होने पाए पिता, इधर उधर तक झाँक में ना लग रहने पाए मेरे पिता। मेरे पिता के भी शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता पिता, वह फाड़ना भेड़िया है भेड़िया मेरे पिता। मेरे प्रभु आप इन्हें एक सहायक दीजिए पिता इस मसीह के नाम से मेरे पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जो मसीह बाबन पिता रात में नहीं सो पाते हैं, डर लगता भर लगता प्रभु मेरे पिता, जब लेटे मेरे स्वामी तब ने सुख की नींद आने पाए प्रभु, कोई गंदा कोई डरावना सपना ना नहीं पाए मेरे पिता। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आगी पिता। मुझे आशा है विश्वास है पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा आमीन।